टू हॉस्टल नंबर 5 जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के जो हैं वो ज़्यादातर हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी उनकी है। सुनीता, और आज जैसा कि आपने देखा पेंजा स्टेट यूनिवर्सिटी का पूरा टूर जो है वो आपको दिखा रही हूँ मैं। और अभी जो हूँ मैं, ये 5th नंबर हॉस्टल है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, और स्पेशली यहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट ईयर के जो इंडियन स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे एकोमोडेशन दिया है, सो दैट वो बिल्कुल कैंपस के पास, कैंटीन के पास उनको सारी फैसिलिटीज़ मिल सके, और साथ ही साथ में जितने भी न्यू कॉमर्स हैं उनको एक प्रॉपर इंडक्शन जो है वो पूरा मिल सके, सो दैट उनको सेटल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो अंदर जो है वो रूम की फैसिलिटी जो है आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे 3-सीटर्स रूम जो है वो अवेलेबल है, और क्या क्या है अंदर वो अभी देखते हैं। स्टूडेंट के पास वाइट कार्ड है जिसको मैग्नेटिक चिप है, जिसके थ्रू जो है वो एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ऐसे एंट्री नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली कॉमन किचन है विंग्स में, सो दैट अगर अपने को कुछ अलग से और बनाना है तो कुक कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द कैंटीन सर्विस। दिस इज अनदर किचन, कॉमन किचन, जहाँ पे कुछ कुक कर सकते हैं। वॉशिंग एरिया, तो दिस इज 3-सीटर रूम, तो देख सकते हैं हम, वाओ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। सो माही का रूम है ये, सो 3 बेड्स हैं, स्टडी टेबल है, कवर्ड्स है, वेरी स्पेशियस, मतलब अच्छा खासा स्पेस है। सो इंडिविजुअली आई थिंक, मतलब घर पे हम, हाँ इंडिविजुअल है, और पूरे ऊपर अपने ट्रॉलीज वगैरह को भी एकोमोडेट कर सकते हैं। व्यू बहुत अच्छा है, आई थिंक दिस इज द फ्रंट वन, फ्रंट वाला पूरा दिखता है, और प्रॉपरली ग्लास से जो है वो माउंटेड है, सो ठंड का तो बिल्कुल भी सवाल ही नहीं उठता कि ऐसा ठंड जैसा लगेगा। देन हीटर का माउंटेड है यहाँ पे, सो हीटर यहाँ पे है, सो ये देख सकते हैं ये हीटर है। सो कंटिन्यू पूरे टाइम यहाँ पे गवर्नमेंट की साइड से ये प्रोविज़न मिला हुआ है, सो दैट अंदर बहुत ही कोजी है, बिल्कुल भी ठंड जैसा नहीं है जैसा बाहर हो रहा है, सो बहुत ही कंफर्टेबल रह सकते हैं। सो वेरी नीट एंड क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड, प्रॉपरली प्लेस्ड सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल मैं बेसिकली जो है वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि बीइंग अ गर्ल बहुत बड़ा कंसर्न होता है पेरेंट्स का, सो इट वाज अ ग्रेट कंसर्न फॉर माय पेरेंट्स टू, सिक्योरिटी रीजंस, लाइक इंटरनेशनल कंट्री में सो कुछ भी हो सकता है, बट इट्स रियली सेफ अराउंड है, यू कैन, हॉस्टल भी बहुत सेफ है, आपने देखा नीचे की बिना किसी मैग्नेटिक कार्ड की इसको एंट्री नहीं मिलती है, तो इट्स सेफ, एंड कभी ऐसा हुआ नहीं कि हॉस्टल में कोई आ गया हो या कुछ भी, कोई इश्यूज कभी भी नहीं हुए, इट्स रियली सेफ। और मुझे पता चला है कि एक पॉली क्लिनिक भी है यहाँ पे, कभी कुछ इमरजेंसीज हो, अगर कभी कुछ ऐसी तबीयत खराब हो जाती है, तो कभी कुछ भी इमरजेंसी हुई या कुछ भी तबीयत, थोड़ी सी भी तबीयत खराब हुई तो हम अशोक सर को कॉन्टेक्ट कर लेते हैं एंड वो हेल्प कर देते हैं, हमें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। कैसा है एक्सपीरियंस ईशा? ऐसा लगता है कि ये रूम बहुत छोटा है, बट दो लोगों के हिसाब से काफ़ी स्पेस है, अलग अलग स्टडी टेबल भी है एंड स्पेशियस भी है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम पूरा सा रूम मेंटेन करके रखें। ओवरऑल हॉस्टल में कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको गैस मिल रहा है, आपको लॉन्ड्री मिल रही है, इतनी फैसिलिटीज़ इंडिया में बहुत मुश्किल है, इतना अच्छा हॉस्टल होना, क्योंकि इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्टल या प्राइवेट हॉस्टल जितने अच्छे नहीं होते जितना हमने सुना है। तो और मेनली आपका रूम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको ऑलमोस्ट टाइम इधर ही पढ़ना होता है,
और यहाँ पे लाइब्रेरी भी है नीचे, और इसलिए मैं तो वो भी एक एडवांटेज है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी बहुत हो गया, अभी रूम पे बहुत ऐसा बंद बन जाए, अच्छा नहीं लग रहा, चेंज चाहिए होता है, तो फिर हम नीचे लाइब्रेरी भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ पे बिल्कुल क्राउड नहीं होता है कि बहुत आवाज़ हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है, तो अपना साइलेंटली पढ़ते हैं, फिर आप ऊपर आके वापस अपने रूम पर स्टडी भी कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर स्टडी के पर्पज से देखा जाए तो हॉस्टल का अच्छा होना, मतलब इतना अच्छा फर्नीचर, अब देखोगे स्टडी टेबल भी सबका सेपरेट है, कबर्ड भी सबका सेपरेट है, तो इतनी दिक्कत नहीं आती है, मतलब यू नो इतना डिस्टर्बेंस सब अपने अपना करते हैं और लाइक सब मेंटेन रहता है ऐसा। अभी बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस पे पेरेंट्स ने आपके पहले भी देखा होगा कि क्या करना है, कैसा है, एकोमोडेशन कैसा होना चाहिए, अब आप उनको बताते हो तो कैसा उनका फीडबैक कैसा है, वो मैं सुनना चाहूँगी आपसे। उनका फीडबैक वो बहुत हैप्पी हैं कि बच्चे इतने कंफर्टेबली रह पा रहे हैं। यूजुअली हॉस्टल्स में इतने अच्छे प्रोविजंस नहीं होते हैं, बट वी कंसिडर आर सेल्व लकी कि हमें इतना सब प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड जैसा बताया, पढ़ाई के लिए कंफर्टेबल माहौल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ क्लेंलीनेस भी इतना मेंटेन किया जा रहा है, हमें ऐसा सिखाया है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लाइक बेस्ट हॉस्टल अकोमोडेशन एवर। डिस्टर्बेंस बाहर से और ऐसा कुछ तो नहीं होता? नहीं, इवन वो रोड के अलोंग साइड है हमारा रूम, बट इतना कुछ नहीं, इट्स वेरी प्लेजेंट है एक्चुअली जो मैं देख पा रही हूं। हां, एंड दो हीटर हैं रूम में, तो सर्दियों में कभी ठंड नहीं लगती है, गर्मियों में हीटर अभी बंद कर दें तो यू सी इट्स अ वेरी कंफर्टेबल रूम टेम्परेचर। विंडो खोल लेते हैं, बहुत प्लेजेंट रहता है, बाहर से इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू, बहुत अच्छा। मैं देख पा रही हूं बहुत ज्यादा स्पेस है, मतलब यू ऑल कैन स्पेयर अ गुड टाइम, बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहूंगी रिव्यू हॉस्टल के बारे में क्या है, तो साफ करके साथ देखो। मैम, हॉस्टल फैसिलिटीज सबसे अच्छी हैं, जैसे बॉयज़ कंपार्टमेंट में देखी जाए तो फ्लोर कैप्टन से तो ये लोग डेली चेक भी करते हैं कि आप कितना क्लीन रख रहे हो रूम या कितना नहीं है आपका, जैसे कुछ भी अगर ख़राब हो गया तो उसका तुरंत इनको बताइए, फ्लोर कैप्टन को बोलें या अपने हॉस्टल कैप्टन को बोले, तो हाथों हाथ प्रिपेयर भी होता है हर चीज़। ओके ओके, तो जसवीर सर, सबसे पहले तो यही बोलना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर हमारे जो फ्लोर कैप्टन है वो पूरा क्लीननेस का ध्यान रखते हैं, कुछ भी गंदा ना हो, कुछ भी कुछ इम्प्रॉपर हो तो वो हमको गाइड कर देगी, ये सही करे वो सही करे, और बाकी तो आप रूम देख ही रहे हैं। बिल्कुल दिख रहा है आप लोगों की पूरी मेहनत। रूम चेकिंग यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे चलती रहती है, तो हफ्ते में दो एक बार तो हो ही जाती है, बाकी फिर कोऑपरेटिव बहुत है, तो अगर कुछ भी अगर डिफॉल्ट होता है तो ओके। पेनल्टी लगती है कुछ रची थी यहाँ पे? अभी तक मैं मुंबई तो लगी नहीं, लेकिन आज डिसिप्लिन बहुत अच्छा है और सब भैया लोग भी सब कोऑपरेटिव हैं। और ऐसा तो नहीं यहाँ पे कि कम बात करने वाले को पेनल्टी लगती है? नहीं लगती ना, चलिए तो बच गए है ना, नहीं तो पेनल्टी आप लोग लगा लेना, जो फ्लोर कैप्टन है उनको स्पेशली ध्यान रखना है, जो बच्चे कम बात करेंगे उनको थोड़ा सा बोलना है, नहीं तो उनको पेनल्टी, नहीं तो फिर वो सबका कमरा साफ करेंगे। सो बाकी कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस? जो बहुत अच्छा है, बिल्कुल कम्फर्टेबल है आपको, सारे दूसरे भी स्टेट के यहाँ पे स्टूडेंट हैं, दूसरी कंट्री के भी होंगे इंटरनेशनल, तो उसके हिसाब से आपको कैसा कंफर्ट लगा? दूसरे कंट्री वालों से जैसे मिलते हैं तो अच्छा लगता है, नया एक्सपीरियंस होता है कि हाँ कोई नए कंट्री से हैं, वो भी फ्रेंड्स बनते हैं और साथ में हम सब नए नए लोग हैं, उनसे भी मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।